नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं हूं उमरहा, वाराणसी से 20 किलोमीटर दूर उमरहा के पास बन रहे भव्य सर्ववेद महामंदिर धाम में, जहां का लेटेस्ट अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। आज तारीख की बात करूं तो आज है 29 नवंबर और दिन है बुधवार का। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी करीब 6-7 दिन पहले और उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बता दूं कि 18 दिसंबर को संभवतः इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगा। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भारत का। सामने ही आप देख रहे हैं विहंगम योग संत समाज का 100वां वार्षिकोत्सव और 17 और 18 दिसंबर को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा है और ये सड़क मार्ग है वाराणसी गाजीपुर। करीब यहाँ से वाराणसी रिंग रोड से करीब 64 किलोमीटर दूर है और ये आप देखेंगे तो ये आपको करीब 20 किलोमीटर दूर है उमरहा, जहाँ पर कि ये सर्ववेद धाम का भव्य ये भवन बन रहा है। तो चलिए आपको चलते हैं पास से लेकर दिखाते हैं कि कितना यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है। ये आप देख रहे हैं उमरहा के खरगीपुर, और सामने ही मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी बड़ा ये बोर्ड लग सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर लगा है और यहीं से आप दाएं तरफ मैं जाकर बाएं तरफ जाएंगे तो मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर ये आपका सर्ववेद महामंदिर धाम है। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, काफ़ी विशाल योग साधना केंद्र करीब 20,000 साधकों हेतु 200 मीटर बाएं तरफ। ये आप देख रहे हैं वाराणसी गाजीपुर मार्ग, और यहाँ पर जहाँ पर ये बोर्ड लगा है बस बाएं तरफ ही आप जाएंगे तो ये आपका सामने में ही यहाँ गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर ये आपको देखेगा बाएं तरफ। काफ़ी भव्य दिखाई देता है। चलिए दोस्तों पास चलते हैं और वहाँ से आपको मैं इस भवन का अपडेट देता हूँ कितना काम हुआ है। सामने ही आप देख रहे हैं इनका कार्यशाला, जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में गुलाबी पत्थर लाकर रखा हुआ है और ये मार्ग मुख्य आपका सड़क मार्ग से करीब 200 मीटर अंदर की तरफ है। ये काफ़ी विहंगम दिखाई देता है, जैसा कि ये बोर्ड आप देख रहे हैं। चलिए आपको अंदर तक ले चलते हैं। इनके पहले मैं आपको इस कार्यशाला को दिखाऊंगा, जहां पर ये फिलहाल काफ़ी बड़ा बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। काम में काफ़ी तेज़ी है और डिज़ाइनदार यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लाकर रखे हुए हैं। आगे में ही ये कार्यशाला है, चलिए देखते हैं कार्यशाला में क्या निर्माण कार्य चल रहा है। जैसा कि देख रहे हैं ये कार्यशाला, और इस तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो निर्माण कार्य काफ़ी तेज गति से चल रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं काफी बड़े भूखंड पर इस
मंदिर को बनाया गया है और फिलहाल अभी चल रहा है बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य। और ये आप देख रहे हैं इस मंदिर से संबंधित सर्वदेव महामंदिर धाम उमरहा वाराणसी। यहाँ मैं आपको बता दूं तो 30,000 साधकों के ध्यान करने हेतु दुनिया के सबसे बड़े साधना केंद्रों में से एक है ये। और 85,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में निर्मित 7 मंजिला ये महामंदिर है और 3,00,000 वर्ग फुट श्वेत संगमरमर से ढकी भीतरी दीवारें और फर्श, 3,00,000 घन फुट गुलाबी सैंड स्टोन की नक्काशीदार कलाकृतियों से आच्छादित 238 सीटों की क्षमता के 2 अत्याधुनिक सभागार और 180 फुट ऊंचा ये गगनचुंबी महामंदिर का अलौकिक नजारा। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ। सामने ही आप देख रहे हैं इस मंदिर को, अंदर भी आपको ले चलूँगा। फिलहाल ये बाहर से आप देख पा रहे हैं कितना भव्य और विशाल ये मेडिटेशन सेंटर, इसकी भव्यता का अंदाज़ा पास से देखने पर चलता है। फिलहाल ये देख रहे हैं नाली का निर्माण, यहाँ पर साफ सफाई तेजी से चल रहा है। और यहाँ आपको दिखाऊंगा अंदर से भी ले जाके, फिलहाल मैं आपको दिखाऊं तो काम में काफ़ी तेज़ी है। निर्माण कार्य जैसे जैसे समय पास होता जा रहा है इसके लोकार्पण का, भव्य तरीके से यहाँ पर बचे हुए काम को कंप्लीट किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं सामने में ही ये है आपका फाउंटेन, जिसमें कमल की आकृति का ये फाउंटेन बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों अब आपको अंदर की तरफ से पूरा मैं दृश्य दिखाऊंगा। जैसा कि आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, काफी ऊंचाई पर बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है। कि यहाँ पर देख पा रहे हैं चारों तरफ एक खूबसूरत फाउंटेन यहाँ पर लगाया गया है। काफी सुंदर सुंदर यहाँ पर स्कल्पचर बनाए गए हैं, हाथी पूरा लाइन से आपको बना हुआ दिखाई देगा इस तरफ। ये मंदिर का ऊपर का भव्य दृश्य, ये आप देख रहे हैं स्कल्पचर, काफी खूबसूरत ये स्कल्पचर है। थ्री डी में पूरा आपको ये दिखाई देगा, भव्य बनाया गया है। और ये अंदर का आप दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर अभी काम चल रहा है फिनिशिंग का, ये ग्राउंड फ्लोर का दृश्य है। ये आप देख रहे हैं हॉल, काफ़ी बड़ा ये हॉल है, काफ़ी बड़ा ये। जहाँ पर ये सीलिंग का काम चल रहा है फिलहाल, यहाँ आपको दिखाऊं तो सफ़ेद पूरा संगमरमर का ये परिसर है, भवन है,
जहाँ पर पॉलिशिंग का काम चल रहा है। फिलहाल फिनिशिंग के काम में काफ़ी तेज़ी है। ये आप देख रहे हैं पीछे का दृश्य है, पीछे किस प्रकार इस भवन के दृश्य दिखाई देता है वो आप देख रहे हैं। अंदर का मैंने आपको दिखाया, ग्राउंड फ्लोर का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर सजावट का काम चल रहा है। चारों तरफ भवन के इस प्रकार यहाँ पर आपको फाउंटेन दिखाई देगा और भवन के चारों तरफ इस प्रकार आपका भित्ति चित्र बनाया गया है, काफ़ी आकर्षक भित्ति चित्र है। चलिए आपको इस भित्ति चित्र को आपको दिखाएं। स्कल्पचर में यहाँ देखेंगे तो ये मयूर का यहाँ पर स्कल्पचर है। इस प्रकार फाउंटेन आप देख रहे हैं, ये आपको पूरे भवन में दिखाई देगा किनारे की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं काम में काफ़ी तेज़ी है। फिलहाल अभी 12 बजने वाले हैं और 12 बजे के ऊपर, जिससे कि यहाँ पर लंच टाइम हो चुका है। चलिए अब दूसरे एंगल से भी आपको पूरा दृश्य मैं दिखाता हूँ। फिलहाल ये भवन का आप पीछे से ये दृश्य देख रहे हैं, काफ़ी भव्य दिखाई देता है। ऊपर में कमल की आकृति, जैसा कि आप देख रहे हैं नक्काशीदार झरोखे और ये कमल की आकृति। किनारे किनारे आप देखेंगे तो सभी भवन में ये अष्टकोणीय भवन में बनाया गया है। चलिए एक बार आपको इस भवन का भित्ति चित्र मैं आपको दिखाऊं और यहाँ पर किस प्रकार ये शेर है और शेर के यहाँ पर बाघ, बाघ के शावक, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। जब भी आप आए आपको यहाँ पर ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य दिखाई देगा, दीवार पर भित्ति चित्र के रूप में और ये पूरे मंदिर परिसर के बाहर आपको ये दिखाई देगा भित्ति चित्र, सभी पत्थर पर उकेरा गया है। पूरा विस्तृत रूप से आपको मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ इस सर्ववेद महामंदिर धाम का। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा
और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब दूसरे एंगल से आपको दिखाते हैं इस मंदिर से खूबसूरत दृश्य और लेटेस्ट अपडेट। चलिए दोस्तों अब सामने से आपको इसका दृश्य मैं दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत ये भित्ति चित्र यहाँ पर। ये हाथियों का झुंड आप देखिए, काफी खूबसूरत ये दृश्य है। और ये ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका सर्वेद महामंदिर धाम। यहाँ देख रहे हैं खूबसूरत यहाँ पर बाग बगीचे और किस प्रकार तैयारी चल रही है वो इस वीडियो में आपने देखा। एक बार फिर मैं आपको यहाँ से ये दिखाऊं तो ये फव्वारे के लिए इस प्रकार कमल की आकृति यहाँ पर तैयार की जा रही है और सभी ये पत्थर के हैं। और यहाँ से मैं आपको मंदिर का ये खूबसूरत दृश्य दिखाऊं तो ये सामने में सर्ववेद महामंदिर धाम का ये दृश्य। देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर काम चल रहा है फ्लोर का। और इस मंदिर में ऊपर जाने के लिए ये आपका रैंप भी बनाया गया है। फिलहाल मैं आपको पास से दिखाऊं तो काफी भव्य मंदिर। तो चलिए दोस्तों इसी दृश्य के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।